ग्राम पंचायत मनीछा खेतासराय जौनपुर में संस्थापक गोविंद यादव के युवा समाजवादी कुटिया पर भावी विधायक 366 सदर सीट जौनपुर के अजय विश्वकर्मा से चुनावी रणनीतियों के बारे में खास बातचीत। जब यहां पर उपस्थित अजय विश्वकर्मा से बातचीत हुआ तो उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार अपने सभी वादों में फेल हो चुकी है। सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने बताया कि हम 2022 के चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर मैदान में उतरेंगे, जिससे जनता भली भांति परिचित है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस वर्तमान सरकार में शिक्षा का जो स्तर गिरा है उसको भी हम ऊपर उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा मैं मुद्दा लेकर जनता के बीच में आऊंगा। वर्तमान सरकार ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था, जिसमें वह फेल हो गई है। लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार अगर बनती है तो उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये वादा किया है कि प्रतिवर्ष 10 लाख रोजगार देंगे। इस मौके पर युवा समाजवादी कुटिया के अध्यापक रजनीश यादव, प्रदीप यादव, राहुल यादव भी उपस्थित रहे। मनीछा खेतासराय से कपिल देव सिंह की रिपोर्ट। सर, ये बताइए कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी? जनता, नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी, सभी की आवाज़, समाजवादी सरकार। 2022 में समाजवादी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। और सर, महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? जो बीजेपी सरकार में इतनी महंगाई बढ़ गई है, जो कि सब लोग परेशान हैं। पत्रकार साहब, धन्यवाद। आपने तो कह दिया कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता, प्रवक्ता, नेता सब तो कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं। ये स्थितियां हो गई हैं, नौजवान, किसान सभी परेशान हैं। आज देख लीजिए, महंगाई, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, आपके सरसों का तेल का दाम बढ़ गया, आपके खाने पीने की सारी चीज़ों का दाम बढ़ गया। मैं बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जब से ये सरकार आई है, कोई एक सामान बता दे जिसका दाम सस्ता हुआ। ये कहते रहे कि अच्छे दिन आएंगे, तो क्या महंगाई जब आती है तभी अच्छे दिन है क्या? महंगाई लाएंगे तो अच्छा दिन आएगा? जनता आज भुखमरी के कगार पे है। मैं सबकी आवाज़ में अपनी आवाज़ को जोड़ते हुए बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि यह सरकार जनता को माफ़ कर दे, क्योंकि जनता बुरी तरह से परेशान, परेशान और परेशान हो गई है। सर, ये आज मैं देख रहा हूँ, आज 2-3 दिन से मैं इस क्षेत्र में टहल रहा हूँ, जगह जगह पे ये समाजवादी कुटिया का स्थापना हो रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है। तो ये समाजवादी कुटिया खोलने का, समाजवादी का तात्पर्य क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जब हमारा युवा, हमारे नौजवान साथी और छोटे छोटे बच्चे जब शिक्षा लेंगे, पढ़ेंगे, तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। जब तक शिक्षा नहीं है तब तक बच्चों का भविष्य अंधकार में है। पिछले 2 सालों से आप देख रहे हैं शिक्षा पे किस तरह मार पड़ी है बीजेपी सरकार ने। शिक्षा के संदर्भ में, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। बच्चे जो पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे, आज वो ना सही से पढ़ पा रहे हैं, ना सही से लिख पा रहे हैं। तो उद्देश्य यही है कि बच्चों को कम से कम पढ़ाई दिया जाए। बच्चे जब पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा उत्तर प्रदेश उज्ज्वल। उत्तर जौनपुर जिले में इन 5 विधायकों ने मिलकर कोई ऐसी योजना जो जौनपुर में लाई हो, जो गरीबों के लिए लाभदायक रहा हो, जो नौजवानों के लिए प्रेरणादायक रहा हो, ऐसी कोई योजना बता दीजिए तो मैं जानूं। सर, एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि हमने किसी एक व्यक्ति से ये सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि बताइए, आप सन 2007 से 2012 जब माननीय मायावती जी की सरकार थी तो नाम बदलने का सिलसिला उन्होंने चालू किया था, उसके बाद जब मैं कर रहा हूं तो ये हल्ला क्यों हो रहा है? ये तो बीजेपी वाले एक अफवाह उड़ा रहे हैं। हकीकत यह है कि अगर
समाजवादी पार्टी ने किसी एक नाम को बदला होगा तो उसके संदर्भ में बीजेपी वालों ने 1000 नाम बदलने का काम किया है। कभी ये नहीं कहते हैं कि समाजवादी सरकार ने जौनपुर जिला में मेडिकल कॉलेज बनवा दिया तो ये भी मेडिकल कॉलेज बनवा दिए होते, कोई ये भी कोई यूनिवर्सिटी बनवा दिए होते, ये भी कोई एक्सप्रेस वे बनवा दिए होते। इस पर नहीं चर्चा करेंगे, नाम बदलने पर जरूर चर्चा करते हैं बीजेपी वाले। 2022 का चुनाव है सर, माहौल इसमें हर पार्टियों की गर्म हो रही, उस पर आपकी क्या राजनीति है समाजवादी पार्टी की? जब भी चुनाव होगा माहौल तो गर्म होगा, लेकिन नौजवान, किसान, व्यापारी, महिलाएं, बुजुर्ग, सभी की आवाज़ इस समय और सभी की उम्मीद समाजवादी पार्टी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो योजना लाई है वह कहीं ना कहीं सभी के लिए लाभदायक रहा है। अभी हमारी सरकार ने घोषणा किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1500 रुपए महिलाओं के खाते में देंगे, 10 लाख नवयुवकों को रोजगार देंगे। कहीं ना कहीं हमारी जो उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार थी अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आई थी जिससे युवाओं को प्रेरणा मिली थी, और आज हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। बीजेपी तो आज तक अपना मैनिफेस्टो नहीं पूरी कर पाई, जिस मैनिफेस्टो के चलते वह सरकार बनाई थी आज वह भी नहीं पूरा हो पा रहा है। उस मैनिफेस्टो को उठाकर उसने कूड़ेदान में डाल दिया है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो से कितना काम पूरा किया है, कितने वादे पूरा किया है? वादे तो पूरे किए हैं, फ्री में राशन बांटने, लोग जनता उसको हंस हंस के ले रहे हैं। तभी हमारा उत्तर प्रदेश उज्जवल उत्तर प्रदेश होगा। सर, आजकल आप टीवी स्क्रीन पर देखते होंगे हर समाचार में, इस समय सारे टीवी चैनल जो न्यूज समाचार चैनल है सब तालिबान तालिबान दिखा रहे हैं। इस तालिबान शब्द पे आप कुछ कहना चाहेंगे? तालिबान, तालिबान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तो बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि इन शब्दों का इस्तेमाल करके मैं क्या चाहता हूँ। बीजेपी का हमेशा यही एक कह दीजिए तो एजेंडा रहा है कि जब भी बस चुनाव का समय आता है तो कभी पाकिस्तान का डर दिखाते हैं, कभी तालिबान का डर दिखाते हैं, तो कभी आतंकवादियों का डर दिखाते हैं। इस तरह से वो करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं और सत्ता में आना चाहते हैं। ये तो बीजेपी का एजेंडा ही है और बाकी कुछ नहीं है। सर, अभी जैसे आगामी 2022 का चुनाव है, समाजवादी पार्टी अपने किन अहम मुद्दों को लेकर के मैदान में उतरेगी? हम रोजगार के मुद्दे को लेकर आगे चल रहे हैं, हम महंगाई के मुद्दों को लेकर आगे चल रहे हैं, हम किसान के मुद्दे को लेकर आगे चल रहे हैं। आने वाले समय में शिक्षा भी हमारा एक मुद्दा है, तो बीजेपी सरकार जिन मुद्दों को लेकर आज भाग रही है, उसका जवाब नहीं दे रही है, हम उन सारे मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे और 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। सर, जब चुनाव नज़दीक आता है तो भारतीय जनता पार्टी कोई एक नया मुद्दा तैयार करती है, जैसे पिछली बार बाबरी मस्जिद का तैयार किया था, राम मंदिर बाबरी मस्जिद का, और इस बार नाम का षड्यंत्र रच रहा है, नाम को लेकर के अपना चुनावी मुद्दा बना रहा है, तो नाम में क्या रखा है? जगह जगह जो बदलाव कर रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? बीजेपी के पास जनता के बीच में जाने के लिए कोई भी आधार नहीं है, कोई भी मुद्दा नहीं है। वह नाम का नाम बदलकर मुद्दे को बदलना चाहते हैं। उनके पास जब मुद्दा नहीं होगा तो ये यही तरीका अपनाएंगे कि मैं फला जगह उद्घाटन कर दिया, मैं फले का नाम बदल के उद्घाटन कर दिया। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, बीजेपी आज के डेट में कोई ऐसा काम बता दे जो हमारे जौनपुर जिला में हुआ हो। आज मैं आपसे पूछूंगा, पत्रकार के मीडियम से, मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के मेरे ख्याल से 5 विधायक इस समय वर्तमान में हैं हमारे जौनपुर जिले में, इन 5 विधायकों ने मिलकर कोई ऐसी योजना जो जौनपुर में लाई हो? जो जब भी सरकार रही है केंद्र की या राज्य की,
दोनों सरकारों ने राशन तो फ्री में ही दिया है, बीजेपी वाले आज 3 महीने का स्कीम चला दे रहे हैं, 2 महीने का स्कीम चला दे रहे हैं। अरे रोजगार पे कोई स्कीम चला दे बीजेपी वाले, कोई गरीब के घर में राशन भेजकर उसकी घर की स्थिति नहीं सुधरेगी, उसके घर रोजगार चाहिए, उसको काम चाहिए। आज जो ये राशन दे रहे हैं बीजेपी वाले, रोजगार ना होने की वजह से, मैं अपने विधानसभा में ऐसे 15,000 गांव बता सकता हूं, 15,000 लोग बता सकता हूं, जो आज के डेट में उसी राशन को बेचकर अपने छोटे बच्चे की दवा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार बताएं कि कितना रोजगार दिए हैं, कहते हैं मैंने 4 लाख रोजगार दे दिए हैं। अगर पूछा जाए तो सिर्फ यह किताब में है, हकीकत में कोई रोजगार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो हमसे संपर्क हुए, उन्होंने सवाल किया कि आप समाजवादी पार्टी का अक्सर बाइट चलाते हैं। हमने उनसे पूछा कि आपकी सरकार कितने लोगों को रोजगार दी, उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए थे। हमने पूछा क्या चीज़ का रोजगार दिए हैं, उन्होंने कहा पकौड़ा बेचने का। आप उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, पकौड़ा बेचने का, सब्जी बेचने का और गुब्बारा बेचने का, कुल्फी बेचने का, ये रोजगार तो दिया है। मैं इसके लिए बीजेपी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपकी सरकार 2022 में बनती है तो युवा जो पीढ़ी है उनके लिए क्या करेगी? हमारी सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, उसके बाद बिजली फ्री देंगे, आने वाले समय में शिक्षा का महत्व रहेगा, छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ फैक्ट्री बैठेगी, तमाम योजनाएं आएंगी। माननीय अखिलेश यादव जी जब भी कोई योजना लेकर आते हैं कहीं ना कहीं से वह हमेशा जनता के लिए लाभकारी होता है। धन्यवाद सर, आप धन्यवाद, वेरी वेरी गुड।